नमस्कार दोस्तों। मैं काजी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। दोस्तों आज अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एडुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड और काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का लुत्फ आप उठाते रहो, राइट। आज हम लोग जानने वाले बॉम्ब के बारे में, बॉम्ब के बारे में हम लोग जानने वाले नहीं है, हम लोग आज जानने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या है, राइट। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सब हम लोग FD जानते हैं, बैंक में जो FD होता है फिक्स डिपॉजिट, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, राइट। फिर म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सिमिलरली जो बॉन्ड है वो भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें दो प्रकार की जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट होती है, दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहती है और एक मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रहती है। मतलब जो स्टॉक मार्केट में जैसे फ्लैक्चुएट होते रहते हैं इंटरेस्ट रेट, राइट, म्यूचुअल फंड में जैसे फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब हम लोग आते हैं बॉन्ड किस लिए होती है, क्यों बॉन्ड किस लिए होती है, बॉन्ड कौन करवाती है, इस दोनों का आंसर हम लोग जानेंगे। बॉन्ड इसलिए होती है कि सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट या कंपनीज कुछ प्रोजेक्ट करना चाहती है, राइट। मान लीजिए गवर्नमेंट एक ब्रिज बनवानी चाहती है, ठीक है। अब उस ब्रिज को बनवाने के लिए फंडिंग कहाँ से मिलेगी गवर्नमेंट को, टैक्स से मिलेगी, राइट, बॉन्ड से मिलेगी, जो बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बॉन्ड गवर्नमेंट, अब कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, कंपनीज इशू करती है, आपका जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो भी अगर कुछ प्रोजेक्ट करती है वो भी बॉन्ड इशू कर सकती है, राइट। बॉन्ड में होता क्या है, आप सपोज मेरे को बॉन्ड में निवेश करनी है, मैं गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी या कंपनी को लोन दे रहा हूँ, राइट, एंड उस फंड के लिए मेरे को गवर्नमेंट कुछ फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, या तो आप अगर उस बॉन्ड में मार्केट लिंक्ड अगर है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी, राइट। अब बॉन्ड काम कैसे करती है, राइट। अब हम लोग जानेंगे कि बॉन्ड काम कैसे करती है। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि मार्केट प्राइस और बॉन्ड किस फैक्टर्स में आधारित होती है, राइट। जो मार्केट फैक्टर है, बॉन्ड की प्राइस है, जो बॉन्ड की मार्केट प्राइस है वो दो तीन टाइप से डिपेंड करती है, राइट। नंबर वन जो है वो क्वालिटी ऑफ इशूअर, जो इशू कर रहा है उसका क्रेडिट क्वालिटी कैसा है। काफ़ी सारे एजेंसीज होती है, जैसे क्रिसिल है हम लोग का इंडिया में, राइट। क्रिसिल क्या करती है, एजेंसीज को रेटिंग करती है कि हाँ भाई ये बंदा का क्वालिटी अच्छा है, ये हाँ भाई इस बंदा का पोटेंशियल है, ये आपको रिटर्न कर सकती है। क्वालिटी मैटर करता है, जो लेंथ है बॉन्ड इशुएंस का वो भी मैटर करती है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, अब आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, ठीक है, आपको 5% कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी। अब मान लीजिए कि जब नेक्स्ट इशू हो रहा है सिमिलर बॉन्ड, तो उसमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है 4%। 4% मिल रही है एंड आपको 5% में खरीदे थे, राइट। आपको यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं 1% की, मतलब 5% प्लस 1% आपको बेनिफिट होगी अगर आप सेल करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता आप लोगों को कि अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं एंड मैच्योरिटी डेट के आगे आप सेल करना चाहते हैं आप सेल कर सकते हो, राइट। एंड वो डिपेंड करेगी मार्केट के ऊपर कि जो इंटरेस्ट रेट है वो घटी है, अगर घटती है तो आपका बेनिफिट है, अगर बढ़ती है तो आपका लॉस है अगर आप सेल करते हैं, ठीक है। ये था कुछ बेसिक सा था जो मैं सोचा कि आपको बताता हूँ, और भी मैं विस्तार में फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी सारी चीज़ बताऊँगा बॉन्ड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।